यात्री को प्रशासन ने आने की अनुमति नहीं दी। मेचा में शीतला कृपा महोत्सव में 2 फरवरी से कार्यक्रम था जिसमें आना था बाबा धुरेंद्र शास्त्री को, लेकिन प्रशासन ने आने की अनुमति नहीं दी है। सतुआ बाबा के शिविर में धुरेंद्र शास्त्री के आगमन का प्रस्ताव है लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। 2 फरवरी को कार्यक्रम था। बागेश्वर धाम वाले बाबा धुरेंद्र शास्त्री प्रयागराज नहीं आएंगे। बाबा धुरेंद्र शास्त्री को प्रशासन ने आने की अनुमति नहीं दी। मेजा में शीतला कृपा महोत्सव में 2 फरवरी का कार्यक्रम 2 फरवरी से कार्यक्रम था। सतुआ बाबा के शिविर में धुरेंद्र शास्त्री के आगमन का प्रस्ताव है। धुरेंद्र शास्त्री आजकल चर्चा का विषय और उनका जो कार्यक्रम है वो प्रयागराज में भी 2 फरवरी से था और इसको लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी लेकिन प्रशासन ने अनुमति जो है वो नहीं दी है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धुरेंद्र शास्त्री अब जो है प्रयागराज नहीं आएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मानवेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। मानवेंद्र, क्या वजह रही, प्रशासन ने क्यों अनुमति नहीं दी? ये देखिए, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री हाल में चर्चा में आए हैं और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है उस हिसाब से जो सुरक्षा है उसके इंतजाम भी जरूरी होते हैं और उस लिहाज से समय पर सूचना देना और कार्यक्रम स्थल जो है उसको लेकर के कई तरह की समस्याएं थी जिसके चलते फिलहाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि जो कार्यक्रम है जिनको कराना है उनकी तरफ से आज एक प्रेस वार्ता भी की जाएगी और देखना ये होगा कि जो प्रयास है उनकी तरफ से वो कितना सफल होता है क्योंकि अभी भी प्रयास जारी है लेकिन फिलहाल पूरी तरह से जो प्रशासन है उसने इनकार कर दिया उनके कार्यक्रम से। उनका जो दरबार है, जो दरबार लगता है उसको कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और पूरी संभावना है कि प्रयागराज में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बड़ी भीड़ जुटेगी, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, उसका इंतजाम कैसे होगा, दरबार कहाँ पे बनाया जाएगा, तमाम जो तकनीकी समस्याएं होते हैं उसके चलते फिलहाल प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। ठीक है मानविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।